हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कच्चे केले से बना बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। ये कच्चे केले से बना नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर के रेडी हो जाता है। खाने में इतना टेस्टी और लाजवाब लगता है कि किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इसे कच्चे केले से बना करके रेडी किया है। खाने में बहुत ही क्रिस्पी करारी है, छोटे से लेके बड़े तक सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट बना करके रेडी कर लेते हैं कच्चे केले का ये मज़ेदार नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा केला, जिसे मैंने ऊपर और नीचे से इस तरीके से कट कर लिया है। कट करने के बाद से हम लोग केले को अच्छी तरीके से एक दो पानी धुल लेंगे। अच्छे तरीके से धुलने के बाद से अब सारे केले को हम लोग कुकर में डाल लेंगे। कुकर में डालने के बाद से हम लोग इसमें एक कप के करीब पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद से अब ढक्कन लगा करके हम लोग इसे अच्छी तरीके से केले को बॉईल कर लेंगे। तो कम से कम 2 से 3 हम लोग सीटी लगने देंगे। 2 से 3 सीटी लगने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं केला अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। तो केले के छिलकों को निकाल करके एक अलग मिक्सिंग बाउल में सारे केले को निकाल लेंगे। केले निकालने के बाद से अब हम लोग इसे मैसर की हेल्प से अच्छे तरीके से मैस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल इस तरीके से केले को अच्छे तरीके से मैस कर लेना है। मैस करने के बाद से हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसके बाद से इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे काले मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा ऐड करेंगे खड़ा साबुत धनिया, थोड़ा सा ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरे मिर्च, आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद से थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसमें बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद से हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब बेसन और 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी करारी बनेगी। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल। उसके बाद से हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद से अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जितने हमने ऐड किए हैं, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर के रेडी होता है। टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार होता है। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये कच्चे केले से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल आटे की तरह डो लगा करके रेडी कर लेंगे। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से डो लगा करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद से चम्मच की हेल्प से थोड़े से पोर्शन अपने हाथों में लेंगे और हाथों में हम लोग तेल लगाएंगे, इससे हाथों में ये चिपकेगा नहीं। और इस तरीके से गोल पहले टिकिया शेप में इसे गोल गोल चिकना कर लेंगे। ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से पहले हम लोग टिकिया मॉडल में इसे बना लेंगे। उसके बाद से हम लोग एक पैन लेंगे और पैन की हेल्प से बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से होल्ड करेंगे। तो दोनों साइड से अच्छे तरीके से पैन से इसे होल्ड कर लेंगे। अब इसे बढ़िया तरीके से चिकना करते हुए शेप दे देंगे। उसके बाद से यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बना करके रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को बिल्कुल टिकिया की तरह भी बना करके रेडी कर सकते हैं, लेकिन इस शेप में बनाएंगे तो कुछ नाश्ता यूनिक भी दिखेगा और खाने में मज़ेदार भी लगेगा। तो ठीक इसी तरीके से ढेर सारे नाश्ता बना करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग लेंगे 1 कटोरी में 2 से 3 चम्मच मैदा। उसके बाद से इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक स्लरी बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से स्लरी बना करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद से हमने जो नाश्ता बना करके रखा हुआ है वो इसमें डिप करेंगे। तो एक बार इसे अच्छे तरीके से डुबो करके हम लोग इसे एक बार स्लरी से एक लेयर कवर कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से घुमाते हुए कवर कर लेंगे। तो नाश्ते का बिल्कुल भी शेप बिगड़े ना, तो इसलिए मैं नाश्ते को अच्छे तरीके से एक बार पैन से होल्ड कर लूँगी। बिल्कुल इस तरीके से एक बार स्लरी और एक बार ब्रेड क्रम्स से कवर कर लेंगे नाश्ते को। ठीक इसी तरीके से सारे नाश्ते को इसी प्रोसेस से करते हुए हम लोग बना करके रेडी कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो जाए गैस के फ्लेम को मीडियम करेंगी और अपने नाश्ते को इसमें डालते जाएंगी और छान करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी नाश्ते को गर्मा गर्म तेल में डाल दिया है। अब बस उलटते पलटते हुए दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी करारी होने तक इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ी देर में दोनों साइड से नाश्ता क्रिस्पी करारी हो जाएगा। अभी आप नोटिस कर सकते हैं कलर चेंज हो गया है। बस 1 से 2 मिनट और लगेंगी और गर्मा गर्म केले का नाश्ता बनकर के रेडी हो जाएगा।
तो ये लीजिए हमारा केले का नाश्ता दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी करारी हो चुकी है, कलर भी बिल्कुल मज़ेदार सी आई है। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म तेल से निकालते हैं और अपने नाश्ते को सर्व करते हैं। यहाँ पे आप इस नाश्ते का टेक्सचर देख सकते हैं कितने क्रिस्पी करारी और टेस्टी सी लग रही है। तो ये लीजिए यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म केले का नाश्ता बन करके रेडी है। सच में ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, छोटी से लेके बड़ी तक सभी इसे बड़े पसंद से खाएंगे। आप चाहे तो इसे हरी चटनी से भी खा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, नाश्ता ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी करारी, आवाज सुन रहे ना बिल्कुल इसी तरीके से, और कितना सॉफ्ट है अंदर से ऊपर से उतना ही क्रिस्पी। तो जब भी आपके घर कच्चा केला है तो ये नाश्ता बना करके जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे किसी पार्टी में भी बना सकते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय कीजिए, बाय बाय। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अपना।